हमारा 22 सेकंड पोजीशन पे आ गया। ये मैथ के सर खड़े हुए भाई और दो दो मैथ के सर वन फ्रेम में। सुना है कैजाम गिफ्ट दिखाओ रियल टाइम में, मुझे डर लग रहा है कि एवरीवन माय नेम इज जानिर हियर एंड वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। तो आज हम सुफा यूनिवर्सिटी आए हैं और आज मेरी स्पीच कंपटीशन है जिसके बेसिकली टू राउंड होंगे। टाइम जो है वो अराउंड 1 PM है और अभी फिलहाल तक तो अराउंड 9 AM हो रहे हैं। तो इस वक्त सबसे पहले हमारे 3 घंटे की क्लास है, क्लास के अंदर शायद हमारा क्विज भी हो और उसके बाद फिर हम लोग जो है थोड़ा सा स्पीच प्रैक्टिस करेंगे और एक मेरी दो स्पीचें हैं बेसिकली, तो एक तो मैंने लिखी हुई है उसको प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेंगे और दूसरी लिखनी है, तो ये साथ भी काम हो जाएगा। थोड़ा सा आज व्लॉग बनाते हैं, मैंने इसी तरह सोचा कि चलो व्लॉगिंग भी थोड़ी सी हो जाए, ये भी होता है। तो चलें आज की फिर इवेंट को शुरू करते हैं। ये आपस में डिस्कस करने के काबिल ही नहीं है, आपस का मतलब है साथ वाले बंदे, बार्ड से नहीं। हेलो दोस्तों, चाय पी लो। तो ये देखो भाई, ये हमारे पास गैलेक्सी जेड फ्लिप आया है। हाय हाय हाय, वाह भाई वाह, ये हमारे क्लास के बच्चे का है। मेरा है, मेरा है भाई। शक्ल देखो पहले अपनी। हेलो भाईजान। अच्छा वैसे ये वन हैंड से खुलता नहीं है वापस, वन हैंडेड नहीं है, मतलब खोलते वक्त वन हैंडेड नहीं है। ओवरऑल वैसे सही है, पीटीए अप्रूव भी है, मतलब कितने 3 ईयर्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट। फ्लिप 5 है ना, 4 है, 3 ईयर्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट है फिर तो सही है मेरे ख्याल से। देख लो तुम भी, तो पैसे डालो थोड़े। अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। खोलो इसको, अभी थोड़ी खुलेगा ये। ये देखो, ये देखो जी, ओ भाई यहाँ पे मेरे ख्याल से अटेंडेंस लगने वाली थी लेकिन नहीं लगी। चलो दे दो बच्चे को, वापस दे दो, छोड़ दो। करण भाई आप अपना मोबाइल चलाओ यार, चलो वो बच्चा तो चला गया, चेक करो मोबाइल है। चलो चलो वो बच्चा तो चला गया ना, अब बस क्यों कर रहे हैं यार, चलाओ तुम अपना रेडमी चलाओ। चलो शाबाश। करण भाई कह रहा था मेरा जो है मेरी वीडियो बनाओ, मेरा पेड़ निकला हुआ था पहले। इसने पकड़ा यार, उस बच्चे को मोबाइल वापस देना है। कौन सा ये, ये 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 क्या पड़ा हुआ है, ये खोलो इसको, ये क्या है। आए हाय हाय, रेडमी को पीछे पीछे बैग दिखाओ इसकी। आए हाय हाय, कोई नहीं यार, वैसे अमीरियत तो फील हो रही है वैसे। सफा करो, खोलते खोलते ऐसे उड़ ना जाए। वीडियो बन गई आपकी, तो ये चीजें भी मिल रही हैं। हाँ ये भी है, यूनिवर्सिटी में दोबारा से कोई ना कोई इवेंट चल रहा है। जैज वाले नहीं आए, नहीं तो एक और सिम निकाल लेते। तो ये देखें, ये नेस्ट कैफे वाले आए हुए हैं। सर्दियां तो खैर कराची में हुई नहीं है इस वक्त, कड़क धूप है, पर ट्रायल चल रहे हैं कॉफी के, मेरे ख्याल से फ्री ट्रायल दे रहे हैं। 3-4 कप पकड़ लो तुम भी। नहीं वो उदाई बला नहीं हूँ। तो ये इन्होंने फोटोग्राफी के लिए मेरे ख्याल से रखा हुआ, ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप है ये। मेरी एक जरा पिक तो खींचो, कॉफी तो खैर मिली नहीं, खत्म हो गई।
टैग डालना मेरा। ऐसा करो ना, ये बैग पकड़ो, बैग पकड़ो अभी, सबर मैं ब्लॉग तो बंद करूँ। ये पकड़ लो, ये भी पकड़ो, ब्लॉग में अलग कर लो ब्लॉग भाई। चलो भाई दानियाल नईम, मैं आज फ्री ट्रायल भी उठा लिया इसी बहाने। जीरो डबल थ्री फाइव टू वन फेक नंबर बता के। तो मैंने अभी अभी अपना फेक नाम और नंबर लिखवा के कॉफी ले ली। इसका फ्री ट्रायल करते हैं। सच्ची बात बताऊं तो मुझे कॉफी पीता तो हूँ, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब ओवरऑल है, लेकिन नेस्कैफे के नहीं पीता हूँ। नेस्कैफे की पीते हैं, इसके अलावा और तो नॉर्मल नहीं होती है। देखा होती है, मतलब इतनी मशहूर नहीं हो गई। देखते हैं, देखो दिमाग बदलता है। 7 out of 10 मेरे ख्याल से जहाँ तक है। तो चलो कोई नहीं, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। धूप ऐसे बहुत है, ये अलग बात है, लेकिन धूप में खड़े होकर कॉफ़ी पीने का ना मज़ा एक थोड़ा डिफरेंट आता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी सुबह 8:30 मैं उठ के यूनिवर्सिटी आया हूँ। 3 घंटे का लेक्चर लिए, क्विज दिए, और आखिर में ये मिल रहा मुझे। ये मेरी बात सुन रहा है, एब्सेंट ये हो रहा था तो हम तेल लेना है। 3 hour की क्लासेस में और एब्सेंट कर दिया, मुझे तो लग रहा है मैं कॉफ़ी पी लिया तेल ले। कॉफ़ी पियो तुम, कॉफ़ी पी के दिल को दिलासा दो बस। बस अब अल्लाह ही करे कि कुछ ना कुछ हो जाए हमारा, क्योंकि एब्सेंट मार्क हो गए हैं, हालांकि हम प्रेजेंट थे। अपलोड करोगे? अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज भी नहीं पकड़ो, ये हट जाओ यहाँ से। तो ये दो भाई आए थे, ये कह रहे थे भी हमें भी ब्लॉग के अंदर शामिल करो, बन कबाब का रिव्यू कर रहे थे। वैसे ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी हाई होती है, और मतलब एक अप टू स्टैंडर्ड होती है। ये एक सोफा वालों की चीज़ अच्छी है, शायद वो चेक करके एंटर करते हैं, या मेरे ख्याल से ओवरऑल वो जगह को ही देख के इतना अच्छा स्टैंडर्ड कर लेते हैं। खैर आज हमारा स्पीच कॉम्पिटिशन है, तो थोड़ा सी दूसरी स्पीच तो खैर मैंने अभी तक लिखी नहीं, लिखेंगे और फिर फर्स्ट को भी थोड़ा सा रिहर्सल करेंगे। फिलहाल तक मेरा यही है। तो इस वक्त अराउंड 12 PM हो रहे हैं और स्पीच कॉम्पिटिशन 1:30 पे, और मेरी एक स्पीच तैयार ही नहीं है। तो इस वक्त हम लोग लाइब्रेरी चलते हैं और पिछले की भी प्रैक्टिस करते हैं, और फर्स्ट स्पीच जो है उसको भी लिख लेते हैं, दूसरी की भी। तो अंदर जाने से पहले यहाँ पर बैग उतार लेते हैं, बैग में से पेपर्स वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ इस वक्त मैं लाइब्रेरी आ गया हूँ, अब स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़े से आइडिया जनरेट करते हैं, पिछली स्पीच भी रिपीट करनी है। लेट्स डू दिस। तो अभी मैंने स्पीच दूसरी लिख ली है, अभी चलते हैं कहीं बैठ के रिहर्सल करते हैं। तो ये जगह है बेसिकली, ये उसके सामने वाली जगह है, स्टेशनरी वगैरह के सामने वाली जगह। यहाँ पे गेम्स भी आपको मिलती हैं। ये सुकून वाली जगह तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी जगह है ओवरऑल। तो ये हमारे भाई हैं, इनका आज लैब का पेपर हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में। आपको कैसा लग रहा है फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर में तो लब्बे शीरी शीरी लग रहा है, लेकिन ये कि अब जैसे आगे आगे बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में सी तो बहुत ईजी लग रही थी, लेकिन अब हल्की हल्की जब एरेज आए पॉइंटर्स आए ना फिर पढ़ने लगी हमारी। मतलब आपका ओवरऑल आज पेपर था ना? आज पेपर था। कैसा लगा आपको आज? तो भाई बच्चों वाला पेपर दे दिया इसने तो यार, अच्छा खासा टाइम हो गया बैठे बैठे और पता भी नहीं चला 1 PM होने वाला। मुझे ये लग रहा है कि नमाज के टाइम के साथ कोलाइड ना हो जाए स्पीच, बाकी हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो अभी हम लोग नमाज वगैरह हमने पढ़ ली है, जिस अराउंड 1:30 PM यहीं से अभी सीधा ऑडिटोरियम में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि स्पीच कॉम्पिटिशन कहाँ तक पहुँचा। स्टार्ट भी नहीं हुआ, कहाँ पर पहुँचना? यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हुआ, नहीं बंदे ही नहीं है अभी तो। ओ देखें स्टेज बिल्कुल खाली है। पाकिस्तान है ना 2 घंटे सिस्टम, इस पर 2 घंटे का मार्जिन रख के चलना पड़ता है, 2 घंटे लेट चलना।
हम भी तो हाफ एन आवर लेट आए हैं। ले आते बैग अगर डी एस ए पढ़नी थी तो मैं इस स्लाइड में पढ़ूंगा। हाँ चलो अच्छी बात है। अच्छा वैसे एक बात, मुझे इस ऑडियंस में तो नहीं बैठना चाहिए ना, मुझे कहीं ना कहीं स्पीच अपनी चेक ना करानी चाहिए किसी ना किसी को। फ्रंट पे कोई बंदा बैठा हुआ है, चलते हैं उसी के पास जाता हूँ करना। तो इस वक्त मैंने स्पीच जो है वो चेक करवा ली है और कह रहे हैं भाई अच्छी स्पीच है, ओवरऑल स्पीच जो है उसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंट्रोवर्शियल टॉपिक देने के बाद कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल साफ़ सुथरी स्पीच है, इंशाल्लाह ताला अच्छी हो जाएगी। फ़िलहाल तक तो मैं बैठा हुआ हूँ और थोड़ा सा अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फील आना शुरू हो गई है ऑलमोस्ट। If I speak my heart out, for me declamation is one of my favorite type of competition because you could see people from different mindsets, from different backgrounds, fighting their fear, coming out here and speaking their heart. Different type of emotions are involved. तो अभी ये इवेंट स्टार्ट हो गया और ये नेशनल एंथम के लिए सब खड़े हुए हैं। हम लोग फ्रंट की सेकंड सीट्स में बैठे हुए हैं और ये नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला। तो इस वक्त जो है वो कंपटीशन स्टार्ट हो गया और हम लोग बैठे हुए हैं तसल्ली के साथ। शुक्र है मैं तो फर्स्ट नहीं हूँ, मैंने सेंटर में कहीं नाम लिखवाया, देखते हैं क्या होता है। इस बंदे को मैं घर से उठा के लेके आया हूँ। तो इस वक्त फर्स्ट कंटेस्टेंट जो है वो स्टेज पे है और उनकी स्पीच स्टार्ट होने वाली है, देखते हैं। ओवरऑल स्पीच कंपटीशन शुरू हो गया, फर्स्ट कंटेस्टेंट इस वक्त स्टेज पर है और ऑडियंस फिलहाल तक तो नहीं आई, शायद आखिर तक ऑडियंस ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिलहाल तक ऑडियंस ज़्यादा नहीं है, जिसका मतलब कि हमारी एंग्जाइटी थोड़ी कम रहेगी और जो है ना वो थोड़ा सा बंदा सुकून में रहेगा। आई थिंक सेकेंड कंटेस्टेंट आने वाला है। चलें जी, हमारा दोस्त जा रहा है अभी, इंशाल्लाह ये जीत के आएगा। ये कहाँ दो दरिया का जा, ये सीधा रास्ता छोड़ के दो दरिया का रास्ता, बड़ी बात है। अच्छा ये सीन है, जजिस के आगे से गुजर करने गया। That's all what we all talk about. Let me get your attention first. Ya ayyuhal lazina amanu. Ya ayyuhal lazina amanu. Oh people who believe. Whenever we hear these words, not only our body has to be attentive, but our souls have to be attentive on whatever is about to be said. My heart tore down when I heard the announcement on anywhere that was given by an imam in the masjid in Gaza. He said, Ya Ahl al-Islam, Ya Ahl al-Islam, they were calling out to us. They were calling out to us and they made Allah subhanahu wa ta'ala their witness. And at that time, where were we? Where were we? Let me tell you something. Most of us were out in rallies. Some of us started boycotting. Well, alas, alas, some of us did nothing at all. Indeed, it is not the eyes that are blind, but the hearts. Dear Palestine and Kashmir, we have not forgotten you. We have not forgotten the millions and millions of men who went out of their homes to support, who went out of their homes to join the resistance, and we will not
forget the millions of children who go to sleep with loving family and woke up as orphans. We will not forget the millions and millions of women who go to sleep with full modesty, fully prepared to be martyred. Dear Palestine and dear Kashmir, we stand with justice, we stand with truth, and we stand with Palestine. If we truly want to show solidarity, we cannot do that without unity. Trust me. Because what we think about solidarity, we don't know how solidarity can be delivered without unity. And how can we do unity? Well, there are two things. Number one, yes, we can go to rallies. Yes, we can go to different places to support. But the number one most important place where we have to be united is a call to prayer. Hayya ala salah. Hayya ala salah. How many of us go to this call to prayer? 2%, 3%, 5%? We cannot provide a permanent solution. We cannot provide a permanent ceasefire in Kashmir or Palestine without unity. In the end, all I want to say, may Allah protect our Palestinian brothers and sisters and Kashmiri brothers and sisters and make our iman stronger and stronger to defeat these people. And in order to protect our nation and our Islam, we have to be united. Ameen. Bi rahmatika ya arham ar rahimin. It was such a wonderful declaration, one of the best up till now, for me especially. Now, we are left with just one student because most of our students are busy in presentation. Mera bhai time up kar diya tune. Lab exam. Na karo, sachi bhai. Haan ji. Kitna time sir? 10 second out kar diye. Haan ji. Haral bhai. क्या हुआ? 10 सेकंड ज्यादा कर दिया आपने. नहीं सच्ची बताओ. जी जी सच्ची कह रहा हूँ. दानियाल नईम तो ये रेप्लिका भी है इसका. शुक्र है मैंने नाम बता दिया था, वरना मैंने स्क्रिप्ट में नहीं लिखा. ओवरऑल स्पीच सही थी माशाल्लाह. स्पीच बड़ी बेहतरीन थी. दिल गुर्दे दोनों हिल गए मेरे. प्रॉपर बेहतरीन सेट थी. तो यार इस वक्त उर्दू स्पीच स्टार्ट हो गई हैं और भूख लग रही है अच्छी खासी. इसी तरीके से निकलना है यार फिलहाल. अच्छा तो यार हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हमने कहा यार चलो थोड़ी देर बाहर आ जाए. वैसे भी बैठ बैठ के अजीब सी फीलिंग आ रही थी. तो उन्होंने कहा है भाई राउंड टू से पहले आप पहले आ जाओ, नहीं तो हम आपको क्वालिफाई नहीं करेंगे. मैंने कहा चलो ठीक है गुजारा हो जाएगा. तो फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ ना कुछ थोड़ी फ्रेश एयर ले लेते हैं, रिफ्रेशमेंट वगैरह कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है. तो यार अभी हम लोगों ने रोल लिए हैं और ये जूस लिए हैं और बैठे हुए हैं अभी फ़िलहाल तक. तो और बैठे बैठे सीढ़ियों के सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं बिल्कुल ऐसे लावारिसों की. लिविंग ऑन द एज. लिविंग ऑन द एज पे ही लिव कर रहे हैं बेसिकली. बस यहीं से अभी राउंड. ये हमारे ऑडियंस समझे कि लिविंग ऑन द एज. ऑडियंस समझ जाएगी भाई. खैर फिलहाल तक हम यहाँ से अभी राउंड टू के लिए शायद क्वालिफाई हों शायद नहीं. यहीं से अभी रोल्स वगैरह खाते हैं और वापस अंदर चलते हैं ऑडिटोरियम. तो अभी वापसी आए हैं अभी अभी और बस ये उर्दू के अभी भी चल रही हैं स्पीचेस.
जबर के कमर के तूफानों के खिलाफ और आज हमारी कमर टूट गई, हम रेजा रेजा हो गए। 25 साल पहले हम बाप बकार थे, 25 साल बाद हम ये बकार हो गए। तो अच्छा, तो अभी इन लोगों ने ब्रेक लिए और ब्रेक के अंदर ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं रिकगनाइज करें और आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। इसको पता तो है ये मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया की मज़ार। दो यार तुम्हें गिफ्ट देते हैं, अभी सब्र करो आप। सेकंड कोई पिक्चर मुझे भी कोई पता चल जाए यार। जी winners of the round 1. तो भाई राउंड 1 के विनर्स की अनाउंसमेंट होने लगी है, देखते हैं हमारा नाम आएगा या नहीं। अभी फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई तो हो गए, सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए। अभी मेरी स्पीच अल्लाह ही करें सही हो जाए, देखते हैं। ये लें जी, हमारा दोस्त आ रहा दोबारा, अरे सेकंड पोजीशन, अब इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन आ गई या थर्ड भी आ सकती है। इट्स बीन डायन लाइक फ्रॉम बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड नाउ द क्वेश्चन हैज अराइज दैट इज Eastern parenting is better or Western parenting is better? Well, my parents sometimes wow. The answer lies within the question. Let's ask ourselves. Let's go through it one by one at a time. Well, we know that in Eastern parenting there are certain things that do not, if they even exist in the dictionary, they exist in Eastern parenting, like cultures and traditions and all that. But, you know what, for the sake of it, let's go through it one by one. Well, firstly, is it better to provide independence when you're 18? Or is it better to stick to your child until they reach a certain maturity level, both with body and mind? Well, now, you tell me, Eastern parenting or Western parenting? Well, let's go through the second one. A study shows by the London Times that 67% of marriages in the West end up in a divorce. What do you think of that? And most of the children go through an immense traumatic era. And these children, when they grow up, when they fall in love with someone, they end up in the same story. Sometimes, a lot of times, to be exact. And the cycle continues on and on and on. Now you tell me, Eastern parenting or Western parenting? Well, let's go to something else. They talk about independence a lot. They talk about how we provide autonomy and all that kind of stuff. When, let's see, for example, those who kind of greet everyone with open arms, those who greet everything with open arms often lose themselves. And this is the reason why most people say that the West has no culture. And because of that, Eastern parents tend to preserve their culture, they preserve their civilization, and this is the reason that most beliefs, like religions and traditions, these things lie in a person who is born in the East and grows up in the East, apart from the West. Now you tell me, Eastern parenting or Western parenting? Well, in the West, if there is no one to tell you to wake up or wear clothes or do whatever you want, or if there's no one waiting for your call or you don't wait for anyone's call, is this independence and autonomy or is this loneliness? You tell me, Eastern parenting or Western parenting? I know that you have made up your mind when all the answers have been made in front of you. Well, thank you. Wow, dear. बंदा ने सेकंड के लिए प्रिपेयर नहीं की हुई थी। हमें फर्स्ट फाइनल को
मास्टर की पोजीशन नहीं मार खाएगा मेरा तो सुने लनल भाई सुने बहाउद्दीन जकरी के मज़ार फतह करके आ रहा तो मैंने सेकंड स्पीच कर ली है मुझे पर्सनली इतना मज़ा नहीं आया सेकंड स्पीच का और मुझे इतना इतनी होप नहीं है फॉर सम अपेरेंट रीज़न कि कुछ ना कुछ हो जाए क्योंकि अभी बहुत टाइम लगा दी है और DSA भी पढ़नी है लीनियर भी पढ़नी है लेकिन थोड़ी सी जो है ना फील हो रही है कि प्रॉपर सेकंड स्पीच में मज़ा नहीं आया देखते हैं क्या होता है फिलहाल तक तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो इस वक्त स्पीचेस चल रही हैं और मुझे कॉन्फिडेंस टूट रहा है कि भाई सेकेंड स्पीच इतनी अच्छी नहीं थी राउंड टू से शायद नहीं राउंड टू ना जीत सके अगर इन्होंने पोजीशंस रखी होंगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर तो शायद थर्ड आ सके लेकिन अगर इन्होंने पोजीशंस नहीं रखी हुई सिर्फ एक ही विनर हुआ फिर तो नहीं जीत सकते तो फिलहाल ये सीन है टाइम भी ज़्यादा हो रहा है पढ़ाई भी करनी है पेपर्स की और मैंने पूरा दिन याद गुजार दिया कोई नहीं देखते हैं अब मैं चाहती हूँ कि हमारे दोनों जजेस मिस आमना मलिक और मिस सादिक करीम को स्टेज पर आए बस हमारे विनर्स हमारे साथ अनाउंस करें मुझे तो नहीं लगता कुछ भी होगा कुछ ना कुछ ओके सो लाइक वी रियली एंजॉय एज अ जज वी रियली एंजॉय दिस आफ्टरनून एंड आई एम सो अमेज्ड एक्चुअली बाय द क्वालिटी ऑफ दिस स्पीचेस दैट यू नो वी हर्ड टुडे सो एनी गेसेस दानियाल नेम कौन कह रहा है हमारा नाम अच्छा वो हमारी क्लास की लड़की का नाम है नहीं भाई अच्छा सेकंड पर टू है नहीं नहीं सेकंड पर टू है मैं नहीं हो सकता दानियाल नहीं हमारा 22nd पोजीशन पे आ गया इसके बच्चे जी हैं कोई नहीं कभी ना कभी तो आ जाएंगे अभी से बिरयानी पापे फोड़ेंगे हम ट्रीट लेंगे भाई ये मैथ के सर खड़े हुए भाई और दो दो मैथ के सर वन फ्रेम में प्लीज रुक जाए सुना है कायजादम के मजार फतह कर लिया आपने चलो देखते क्या नहीं गिफ्ट दिखाओ रियल टाइम में मुझे डर लग रहा है कि अनबॉक्सिंग देखो ना यार अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मेरी BTS की बना क्या बिहाइंड द सीन्स ये हमें जो है ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है वैसे ड्यूरेबिलिटी नहीं है ना ड्यूरेबिलिटी चेक करने चेक करनी है ड्यूरेबिलिटी मारो इसको दीवार दूसरा गिफ्ट दिखाओ भाई मिठाई वगैरह क्या है क्या मुझे पता नहीं है कपल चार्जर के साथ करना तुम इतना बड़ा दिखाओ तो सही ये कोई समंदरी देव का कप तो नहीं है तो वैसे तो मुझे यकीन नहीं था कि कुछ ना कुछ हो जाए लेकिन रनर अप हो गए हैं ये भी मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट है ओवरऑल अच्छी चीज़ है ये भी तो एक मेमोरी बन गई है कोर मेमोरी कि भाई हम सुफा यूनिवर्सिटी में आए हैं हमने एक कंपटीशन एंटर किया एटलीस्ट रनर अप हो गए तो दैट्स एन अचीवमेंट फ्रॉम मी '96 में था बैग निकालो जल्दी करो जल्दी 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 क्या मतलब मेरा नहीं है हैं ये है ना ऊपर पड़ा हुआ है डर खाली करके तो नहीं रखा कहीं चेंज कर देता उससे यार
कीमत पूरी नहीं थी। चलो इसमें कुछ ना कुछ रखते हैं अब। यार ये तो पूरा नहीं आ रहा, ये पकड़ो जरा मोबाइल, पकड़ो मेरा। अच्छा ये 52 दे रहे हो मुझे। डाल लो इसमें, हाथ में पकड़ना पड़ेगा। अंदर रखो, अंदर रखो वो डब्बे को, अंदर रख दो, कागज को हाथ में पकड़ो ऐसे। चलो यार बंद करो ब्लॉग यार। चलो जी भट्ट साहब, 25 घंटे की फिल्म बन जाएगी। तो आज हम फिलहाल 4 PM पे यूनिवर्सिटी को एग्ज़िट कर रहे हैं। 8:30 पे आए थे सुबह, तो फिलहाल सिर्फ पूरा दिन गुजर गया। ओवरऑल बहुत मज़ा आया मुझे आज। पूरा कंपटीशन जो है वो हमने जो है पहले फर्स्ट राउंड विन किया, सेकंड राउंड के अंदर रनर अप हुए, और उसके अलावा भी ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। रनर अप होने का मज़ा आया है। किस चीज़ का मजा आया? नहीं ये बात नहीं, एक एक्सपीरियंस होता है कि आप डिफरेंट स्टेजेस पे जाके जो है वो परफॉर्म करते हो, आप डिफरेंट ऑडियंसेस के सामने परफॉर्म करते हो, तो ये आपको एक बहुत बड़े प्लस पॉइंट होता है जब आप डिफरेंट जगहों पे जाके डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट जजेस को आप डिफरेंट तरीके से हर चीज़ प्रेजेंट करते हो, तो आपको एक कंसिस्टेंसी पैदा करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खैर अभी हम निकल गए यूनिवर्सिटी से, यहाँ से सीधा निकलते हैं घर। 5 बजे की क्लास के बाद तुम अभी तक बैठ के क्या DSA पढ़ रहे थे? फिर लीनियर बोल रहे तो क्या? मैं तो तिलक सर बैठ के गपशप कर रहा था, वो जो है वो तो पढ़ रहा था, तो मैंने कहा चलो। नहीं ये कुछ ना कुछ कर रहा था अब्दुल्ला, क्या कहते हैं अबरार भाई, अब्दुल्ला भाई निकलो यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, एक बार ये एयरपोर्ट के साथ जो है ये अगर कोई आपको हॉर्न दे आवाज आ जाती है? अबे ऐसे हॉर्न को इग्नोर मारो। अरे कोई चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल यही, पूरा दिन तो हमने यूनिवर्सिटी में गुजार दिया। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड एनीवे लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर न्यू कंटेंट, एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। बाय।